माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिवार न्यायालय के मामलों में संवेदनशीलता के लिए माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें विशिष्ट रूप से पारिवारिक विवादों के संवेदनशील समाधान के लिए पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों के कौशल से बढ़ोतरी हेतु लक्षित किया गया है, जो कि एक मजबूत परिवार और परिणाम स्वरूप मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा, जिसमें गोरखपुर जिले के 12 निकटवर्ती जिले अंबेडकर नगर स्थित अकबरपुर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर स्थित पडरौना, महाराजगंज, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर एवं सुल्तानपुर के प्रधान न्यायाधीश व अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सम्मिलित हुए। कार्यशाला के उद्घाटन के क्रम में माननीय न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर ने कहा कि मध्यस्थता के बिना परिवार न्यायालय की एक संस्था के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती है। लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए मध्यस्थता समय की आवश्यकता है। माननीय न्यायमूर्ति ने मध्यस्थता की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए आगे कहा कि पारिवारिक विवादों में तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए और परिवार न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया का चयन करने के बजाय मध्यस्थता द्वारा अपने मतभेदों का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कहा कि मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसमें दोनों पक्षों को जीत का अनुभव होता है। पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को तटस्थता और गोपनीयता बनाए रखते हुए पक्षकारों की सक्रिय सुनवाई में संलग्न होना चाहिए, जिससे पक्षकार पारिवारिक न्यायालयों में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस अवसर पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट विशेषज्ञ मध्यस्थता प्रशिक्षक अनूप, नीरज उपाध्याय, राजलक्ष्मी सिन्हा, संदीप सक्सेना सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने कहा, family courts and additional family court judges arrived here from different districts for the very first time to enhance the negotiation skills of our family court judges in edges of High Court Committee for Sensitization for Family Court Matters. This workshop is being organized for our family court judges on the concept and techniques of mediation. I, on behalf of myself, on behalf of Mrs. Justice Sangeeta Chandra and on behalf of the committee, welcome all of you. A very good morning to you all. As you all know, mediation process is an important part of the family court working. A family court cannot be imagined without mediation. Considering the huge pendency of cases, mediation is the need of the day. It plays a vital role in quick and effective disposal of matrimonial matters. Differences turn into disagreements and disagreements into conflicts, which lead to violence sometimes. Sina would elaborate the benefits of the mediation and would make their every endeavor to familiarize all of you with the concept and various techniques of mediation. I hope this workshop would certainly prove to be fruitful in your day-to-day working in the family courts. Thanks, God. Yes. To the district judge, who has been very kind and very gracious in his hospitality to all of us, and to our master trainers who are here, Mr. Anup Kumar Shivastav, Mr. Sandeep Saxena, Mr. Neeraj Upadhyay, and Mrs. Radhakrishni Sinha. And I am very much grateful to all of you to spare your weekend for this particular workshop, because it is not actually in the course of duty that you have come. You have come to get your minds open to the fact that mediation is one of the most effective way of alternative dispute redressal that we can adopt, and it is more in the nature of making people understand that both parties win in mediation. It has a very calming effect on distressed tempers. Because take something positive from here. Because I am very sure, I am very confident about the abilities of our master trainer. दाम्पत्य मामलों में छोटे छोटे मामलों को लेकर के जो विच्छेद हो जाता है, उस पर सेंसिटाइजेशन संवेदनशीलता के विषय में आज और कल 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या क्या जानकारियाँ दी जाएगी? अब इसमें यही दिया जा रहा है कि जो भी पारिवारिक मामले हैं, दाम्पत्य के मामले हैं, छोटा छोटा विवादों को लेकर के, बातों को लेकर के लोग आपस में मनमुटाव करके
विच्छेद कर लेते हैं या मुकदमेबाजी कर लेते हैं तो उसके विषय में उनको संवेदनशील हूँ और ऐसा न करें, किसी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इसमें माननीय हाईकोर्ट से लॉर्डशिप आए हुए हैं, चार मीडिएटर भी आए हुए हैं, अब लोगों को प्रशिक्षण देंगे फैमिली कोर्ट जिसको।